If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. Hello and assalamu alaikum, my name is IAmFawad and today I am going to give a reaction to this video because I have a request recently. The title of this video is Things That Only Indian Muslim Can Do in India. Quite interesting title, so let's watch this video and then I will give my reaction and review. दोस्तों भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और समय समय पर हमने अपनी वीडियोस के माध्यम से ये बात सिद्ध भी की है और आज की यह वीडियो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण होगा कि भारत सदियों से सभी धर्म के लोगों को समान समझकर बिना भेदभाव की भावना रखते हुए आगे बढ़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम उन चीजों को दिखाने वाले हैं जो सिर्फ भारतीय मुसलमान ही कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ भारतीय मुसलमान। दोस्तों भारत में मुसलमानों को अपने त्योहार मनाने पर कोई पाबंदी नहीं है। भारत में रमजान के समय मुसलमान 30 दिन का रोजा रखते हैं जिनकी यहाँ पर कोई मनाही नहीं है, लेकिन बात अगर चाइना की जाती है तो हालत कुछ और ही हो जाते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा पारित किए गए नए नियम के अनुसार चाइना के नॉर्थ वेस्ट में स्थित जिंगजियांग रीजन में छात्रों, गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सर्वेंट और गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करने वाले मुस्लिम लोगों पर रमजान में रोजा रखने पर भी पाबंदी है। दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जो किसी भी व्यक्ति की धार्मिक मान्यताओं में दखल नहीं देता। यहाँ पासपोर्ट आवेदन करने के लिए यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है कि आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं या किसी अन्य जाति से संबंध रखते हैं। लेकिन कई देशों में मुसलमानों को हिंदुस्तान जैसी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। कई देशों में जब तक आप यह साबित नहीं कर देते हैं कि आप अपने धार्मिक विश्वासों के साथ कितनी निष्ठा रखते हैं, तब तक आपको पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान में आपको असली मुसलमान होने का प्रमाण देना पड़ता है, मसलन आप पैगंबर साहब में कितना विश्वास रखते हैं आदि। यही कारण है कि पाकिस्तान में अहमदीज को पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म पर साइन करना होता है जिस पर लिखा होता है कि अहमदीज मुसलमान नहीं है। दोस्तों भारत में अपनी इच्छा के अनुसार हर धर्म के लोग अपनी वेशभूषा और पहनावे के लिए आजाद हैं, लेकिन चीन में रहने वाले उइगुर मुसलमान ना तो अपनी इच्छा से दाढ़ी बढ़ा सकते हैं और ना ही धार्मिक कपड़े पहन सकते हैं। चीन सरकार के नए नियम के मुताबिक उन पर कई प्रकार की बंदिशें भी लगाई गई हैं। भारतीय मुसलमानों को पूरी आजादी दी गई है कि वह किसी भी देश में घूमने, पढ़ने व व्यापार करने जा सकते हैं। भारतीय मुसलमान किसी भी देश की यात्रा करने के लिए स्वतंत्र हैं और भारतीय होने के कारण उनको किसी भी देश का वीजा बड़े ही आसानी से मिल जाता है। लेकिन सभी देशों के मुसलमान इतने भाग्यशाली नहीं होते। सीरिया, लीबिया, ईरान, सोमानिया, सूडान और यमन देशों के मुसलमानों पर अमेरिका सहित कई देशों ने उनके देश आने पर प्रतिबंध लगा रखा है, जिसके कारण वह मुसलमान इन देशों में नहीं जा सकते। बात जब मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की आती है तब भी भारत की निष्पक्षता विश्व में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भारत में मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम पुरुषों की तुलना में समान अधिकार प्राप्त हैं, मसलन शिक्षा, नौकरी, पहनावे और अपनी शर्तों पर स्वतंत्र जीने का अधिकार। भारत में हर मुस्लिम महिला को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपना पहनावा चयन करने का अधिकार है, लेकिन विश्व में कई ऐसे देश भी हैं जहां मुस्लिम महिलाओं को आजादी से जीने भी नहीं दिया जाता। ताजा नियम के अनुसार ऑस्ट्रिया में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई देशों में मुस्लिम महिलाओं के कपड़े अक्सर चर्चा का विषय बनते रहते हैं। हज मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है जो कि सऊदी अरब में स्थित है। भारत में कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो आर्थिक रूप से पूर्ण संपन्न नहीं हैं, लिहाजा भारत सरकार ऐसे मुसलमानों को हज की सब्सिडी के रूप में अभी तक आर्थिक मदद देती आई है। लेकिन ताजा खबरों के अनुसार भारत सरकार ने हज पर दी जाने वाली सब्सिडी भले ही खत्म कर दी है, लेकिन भारत हर तरीके से सब धर्मों को साथ लेकर चलता है और शायद यही वह कारण है कि हर भारतीय को अपने देश पर गर्व है। Quite impressive video, लेकिन obviously information थोड़ी सी vague है इसमें। मैं कुछ चीज़ों से इख्तलाफ करता हूँ और बहुत सारी चीज़ों से मैं इत्तफाक करता हूँ, एंड agree with it जो उसमें कहा गया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं इख्तलाफ करता हूँ, ज़्यादा नहीं है। मैं सिर्फ इस वीडियो को सामने रख कर जो जो पॉइंट इस वीडियो में उठाए गए हैं मैं उसके ऊपर बात करूँगा। पहली बात बोली कि अहमदियों को राइट्स नहीं है, पासपोर्ट लेने उनको सेपरेट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। इस बात को कमेंट्स करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि हर कंट्री की एक अपनी डायनामिक्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इमिग्रेशन के, सिटीजनशिप के और इंडेफिनिट लीव टू स्टे इन द कंट्री। सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हर कंट्री के। पाकिस्तान के भी अपने डायनामिक्स हैं,
पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन पाकिस्तान आर मुस्लिम। जो मुसलमान है उसको डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान रखता है, डेफिनेटली आपको अग्री करना पड़ता है, वो हलफ उठाना पड़ता है। लेकिन जो अहमदी है उनका केस कम्प्लीटली डिफरेंट है। अहमदी कादियानी ये जो है अपने आप को मुसलमान तो बोलते हैं, मगर हम लोगों का जो ईमान है जो मुसलमानों का कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन अहमदियों का ये है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक और नबी ले आए और उस पर ईमान रखते हैं और उसके ऊपर बातें की जाती हैं। बहरहाल मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जब हमारा जो ईमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, तो वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। लेकिन अहमदी ऐसे नहीं है, इस वजह से उनको 1973 के आइन में मुसलमान डिक्लेयर नहीं किया गया। लेकिन उनको सारे राइट्स हैं हमारी कंट्री में, वो उनको डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, उनको पासपोर्ट भी है, उनको आईडी कार्ड भी मिलता है और हर किस्म के राइट्स हैं। वो अपनी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, एवरीथिंग दे कैन डू। सिर्फ उनको मुसलमान का दर्जा नहीं दिया गया, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एक और पॉइंट उठाया है कि इंडिया में हर धर्म के लोगों को अपना अपना त्यौहार मनाने और अपने अपने रिचुअल्स करने की इजाज़त है, पाकिस्तान में भी है। आप देख लो, आप सिख यात्री जो हर साल अपना एक रिचुअल करते हैं, उसके लिए इंडिया से भी पाकिस्तान में लोग आते हैं और पाकिस्तान उनको अकोमोडेट करता है, वीज़ा फ्री कंट्री कर दिया गया है उस टाइम के लिए। और ईसाई हो गया या डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, उनको भी खुली आज़ादी है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। सीरिया, लीबिया, सूडान, इस तरह की कंट्रीज़ के नाम दिए गए, लेकिन आप ये देखो ये कंट्री जो है एक वॉर जोन डिक्लेयर किए गए हैं, तो उन कंट्रीज़ में दूसरी कंट्रीज़ के लोगों का जाना इसलिए मना किया गया है कि उनकी लाइफ डेंजर में है। तो ये पॉलिसीज़ कंट्रीज़ डिसाइड करते हैं। तो जैसे मैंने बोला, हर कंट्री की अपनी डायनामिक्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, इमिग्रेशन रूल्स होते हैं, तो उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये तो थी जो बातें जिनसे मुझे इख्तलाफ था, वो बातें जिससे मुझे इत्तफाक है और आई अग्री विद देम कि इंडिया इज़ बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, बहुत बड़ी जमहूरियत है इंडिया और हम लोगों को उससे सीखना चाहिए, एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। वहाँ पर जो डाइवर्सिटी है डिफरेंट रिलीजन्स को लेकर, बिलीफ्स को लेकर, एथिक्स को लेकर, वो किसी और कंट्री में नज़र नहीं आती। ये बिलीवेबल है और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इससे मैं डिनाई नहीं करता, और आई एम क्वाइट हैप्पी अगर हम लोग इस चीज़ को फॉलो करें इन अदर कंट्रीज़ और पाकिस्तान और डिफरेंट कंट्रीज़ में। देर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट। चाइना की जो बात की उससे ही मैं अग्री हूँ, जिस तरह से पाबंदियाँ लगाई गई हैं मुसलमानों पे कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते, ईद नहीं मना सकते या रोज़े नहीं रख सकते। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग और ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी दिस इज़ रॉन्ग, कम्प्लीटली रॉन्ग। आई कम्प्लीटली अग्री इन दिस वीडियो जो भी कहा गया है, और चाइना में थोड़े से रूल और रेगुलेशन को सॉफ्ट करना चाहिए, स्पेशली टूवर्ड्स मुस्लिम्स। वुमेन इंडिपेंडेंस की बात की गई, अगेन मैं वही बात करूँगा कि जो डायनामिक्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की वो उसको इजाज़त नहीं देती। जैसे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर पर्दे का, लोग औरत को एक पर्दे का हुक्म है और किस तरह से अपने बदन को ढांपना है, किस तरह से बाहर निकलना है, वर्क करना है, सारा कुछ वो डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन इफ़ यू फॉलो द रिलीजियस थिंग। आप डिफरेंट कंट्रीज की बात करें, अगर वो रिलीजन को फॉलो नहीं करते या उनके अपने डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशन है या उनका माइंड सेट डिफरेंट है, तो हम उसके साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन बींग ए मुस्लिम हम लोगों को कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं जो हमारे इस्लाम ने, हमारे मजहब ने हमको सिखाए हैं। रिलीजियस या कास्ट हेट्रेड दुनिया की हर कंट्री में होती है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। मगर ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम इनको एक पॉइंट ऑफ वॉर बना लें या पॉइंट ऑफ फाइट और आर्ग्यूमेंट बना लें, तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अगेन आई विल से इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जैसे कि मुसलमान प्रेसिडेंट बन चुका है, वहाँ पर सिख प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और फिर इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट मुसलमान रह चुके हैं और अभी भी हैं। तो यस, अग्री विद इट, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मैं इस की बात पे इख्तलाफ कर ही नहीं सकता, और जो करेगा इख्तलाफ मेरे ख्याल में वो बेवकूफ़ तरीन इंसान है। बींग अ पाकिस्तानी मेरा एक
लव है टूवर्ड्स इंडिया वो इसलिए कि हमारे जो फोर फादर्स हैं, हमारे बाप दादा हैं, वो इंडिया से ही हैं। जब पार्टीशन नहीं था तो इंडिया पाकिस्तान तकरीबन एक ही था, तो पार्टीशन के बाद कुछ लोग इधर आए, कुछ लोग उधर रह गए, कुछ लोग बीच में मर गए, ये सारा कुछ। लेकिन ये कि जो फोर फादर्स हैं, जो हम लोगों के बाप दादा हैं, जो हमारा शजरा चलता है, वो इंडिया से ही चलता है। पॉलिटिशियंस ने हम लोगों में दरार डाल दी है, और दोनों तरफ के पॉलिटिशियंस इस इशू को ज़िंदा रखना चाहते हैं और अपनी पॉलिटिक्स कैंपेन चलाते हैं और लोगों में नफरत भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी लोग आई डोंट थिंक सो थिंग्स लाइक दैट, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसा नहीं समझता बिल्कुल भी। आई लव इंडियन पीपल, मेरे बहुत सारे दोस्त इंडियन हैं, और जहाँ पर मैं काम करता हूँ, साउथ इंडिया से, मुंबई से, पटना से, पुणे से, lots of people are my friend from India. लेकिन आप देखो कि इन यूरोप और USA और डिफरेंट कंट्री में एक साथ रह सकते हैं, एक साथ काम कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के होटल में खाना भी खाते हैं, हम लोग रेस्टोरेंट भी जाते हैं, बार्स भी जाते हैं सारे। तो फिर ये हम पाकिस्तान इंडिया में रहने वाले लोग क्यों नहीं कर सकते? तो हम लोगों ने NRI से सीखना चाहिए, जो पाकिस्तान बाहर है उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह मिलजुल के रहा जाता है। तो पॉलिटिशियंस की बात ना सुनो, अपने दिल की बात सुनो, पीस लव एंड हारमोनी के साथ रहने में ही याद से कि हम सबका फ़ायदा है। और वैसे दुनिया में इतनी ज़्यादा नफरत फैली हुई है, तो मज़ीद नफरत तो क्यों फैलाया जाए। तो आई लव इंडिया, आई लव पाकिस्तान, आई लव एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें, आबाद रहें, गुड बाय।